पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6000 रुपया वार्षिक किसान को दिया जा रहा है, 4000 रुपया प्रतिवर्ष राज्य शासन की ओर से दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के किसानों को 10000 रुपया साल मिल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे दोनों जिलों के कलेक्टर महोदय और आला अफिसर सब मौजूद हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त प्रधानमंत्री जी जारी करने वाले हैं। देश भर में डाटा शुद्धिकरण का काम हो रहा है। हमको मुरैना और श्योपुर जिले में ये कोशिश अभियान के रूप में करनी चाहिए कि हमारे जिले में कोई भी ऐसा किसान जो इस योजना के लिए पात्रता रखता है उसका नाम जुड़ने से न रह जाए, हर आदमी को किस्त मिले, यह जरूरी है। और भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, जिले और राज्य डाटा फीड करेंगे तो हम पूरा का पूरा पैसा उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहां फर्टिलाइजर का उपयोग काफी होता है, कुछ लोग तो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। इसलिए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर बल देना प्रारंभ किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी तमाम बहनों ने महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ की है। यहाँ आजीविका परियोजनाओं के मित्रों को भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं इसी माह में आयुष मंत्रालय के साथ बैठक करने वाला हूं